नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति आपकी इंटरनेट मीडिया पर फिर हाजिर हूँ। दिल्ली के मंदिरों व घरों में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजने लगे। बाल गोपाल के स्वागत के लिए लोगों ने घरों में फूलमालाएं व रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट की। श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए मिठाई, केक सहित तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए। मंदिरों व घरों में बाल गोपाल व राधा की पोशाक में पहने बच्चे लोगों के मन मोह लिया। बच्चों ने राधा कृष्ण बन सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी दी। वहीं 30 अगस्त जन्माष्टमी के मौके पर संस्कार कर्म फाउंडेशन और भारतीय योग संस्थान की ओर से जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। जन्माष्टमी को मनाने के लिए सभी जन एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां कर दी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को योगेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को योग के पथ पर चलकर अपने संघर्ष और दुखपूर्ण जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने और अपने पथ पर डटे रहने का उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में दिया था। इसलिए सभी योग साधक भारतीय योग संस्थान और संस्कार कर्म फाउंडेशन श्री कृष्ण जी से प्रेम और स्नेह अधिक करते हैं। यह आयोजन जनता फ्लैट नर्सरी पार्क दिल्ली 93 में संपन्न किया गया। इस उपलक्ष्य में अध्यक्ष श्री राजेश सिंघल, श्री सूरज भान प्रजापति, अध्यक्ष श्री अरुण कुशवाहा, श्रीमती सुषमा कोषाध्यक्ष, श्री त्रिभुवन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत योग की प्रार्थना और सूर्य नमस्कार से की। तत्पश्चात सबने मिलकर श्री कृष्ण जी की आरती धूप दीप से समर्पित की। आराध्य की आरती की गई। सभी कृष्ण भक्त में ऐसे खोए कि जैसे सब कुछ भूल गए हैं, सिर्फ एक ही नाम योगेश्वर श्री कृष्ण ही याद रहा। आरती समापन के पश्चात श्री राजेश सिंघल ने सभी को संबोधित किया। उसके बाद दो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे राधा कृष्ण भावना और गुंजन बने। राधा कृष्ण के मधुर गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसे देख कर सभी योगी भक्तजन झूम उठे। भक्तजन अभी नृत्य के आनंद ही से निकले थे कि योग साधक ने संगीत रस से सभी को सराबोर कर दिया, जिसमें श्रीमती उषा, श्री अंगद, श्रीमती सुषमा आदि मुख्य थे। बच्चों के कार्यक्रम को देखकर योग साधकों के मन में अलग ही उत्साह का संचार हो रहा था। अंशु, दीपाली, राशिका, रिया, अनामिका, आशु आदि सभी ने मिलकर आनंद का एक नया आकाश जमीन पर उतार दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी योग साधकों ने डांडिया का आनंद उठाया। जिस प्रकार से डांडिया में सभी झूम रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि श्री कृष्ण जी अपने समय में इसी प्रकार से ग्वाल वालों के साथ नृत्य का आनंद लेते होंगे। डांडिया नृत्य के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर इस जनता फ्लैट नर्सरी पार्क के अन्य सैकड़ों साथी भी उपस्थित थे और सभी ने जन्मोत्सव का आनंद उठाया। आपको ये जन्मोत्सव कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।